2G की परीक्षा हुई। परीक्षा के दौरान कई जिलों में हंगामा भी दिखाई दिया। सवाई माधोपुर में आदर्श विद्या मंदिर में परीक्षा केंद्र बनाया गया, जहां जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि यहां हिंदी मीडियम के परीक्षार्थियों को अंग्रेजी मीडियम का पर्चा थमा दिया गया। वहीं जब विद्यार्थियों ने इस पर आपत्ति जताई तो विद्यार्थियों से ही बदसलूकी की गई। इसके बाद विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़कर कैंपस में जाने का फैसला किया। वहीं इसके बाद परिजनों ने भी हंगामा शुरू किया। वहीं इस बीच मारपीट की घटना भी सामने आ गई। इसके बाद पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं परीक्षार्थी पर्चा लेकर केंद्र से बाहर निकल गए। जयपुर में तेज धूप और गर्मी होने की वजह से आज स्टूडेंट्स के साथ साथ परीक्षा केंद्र के बाहर इंतजार करते हुए अभिभावकों की भी परीक्षा दिखाई दी। परीक्षा केंद्रों के बाहर कोई अभिभावकों के लिए अतिरिक्त इंतजाम नहीं थे। शहर में दूर दराज से आए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ गई। कोटा, अजमेर और झुंझुनू में परीक्षा संपन्न हुई और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा जो है वो राजधानी समेत प्रदेश के 24 शहरों में भी संपन्न हो गई है। इस परीक्षा को देकर के बाहर लौटते हुए अभ्यर्थियों की आप तस्वीर देखिए। ये जयपुर का रामबाग का एक स्कूल है, जहां पर के समय में परीक्षा देकर के जो अभ्यर्थी हैं वो लौट रहे हैं। काफी लंबे अंतराल की तैयारी के बाद में जो इम्तिहान है वो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर दिया है। जो परीक्षा देकर के लौट रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश भी है। किस तरह का एग्जाम रहा है वो मैं जानने की कोशिश। कैसा एग्जाम रहा आपका? अच्छा था। मतलब कौन से ऐसे सवाल थे जिनने ज्यादा परेशान किया? एक्चुअली मेरी केमिस्ट्री वीक थी। केमिस्ट्री वीक रही। ओवरऑल कैसा पेपर? इजी था। इजी रहा पेपर। मैं कुछ लोगों से और भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। जो स्टूडेंट्स इस समय में बाहर निकल रहे हैं उनसे जानता हूँ कैसा पेपर रहा आपका। अच्छा रहा। देखिए जो इस समय में स्टूडेंट्स बाहर इस समय आ रहे हैं उनसे मैं बात करूंगा कि किस तरह से जो है उन्होंने आज अपना इम्तिहान दिया, क्योंकि ये देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान है उसमें दाखिले के लिए इम्तिहान होता है और कड़ी मेहनत जो है वो इसके पीछे होती है। नीट परीक्षा जो है वो देश भर के 500 से ज्यादा शहरों में हुई है और राजस्थान में भी ये 24 शहरों में इस परीक्षा का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है। स्टूडेंट्स जो है वो इस समय में परीक्षा केंद्र के बाहर जो है लौटते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और काफी जो है बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी चुनौती के साथ में इन्होंने अपना यहाँ पर इम्तिहान दिया है। रफ्तार